हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एनी क्रिएशन। तो इस चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज वाली वीडियोस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि जो वीडियो मैं नेक्स्ट आपके लिए डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जूम ऐप में अब अपनी आईडी कैसे बनाएंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लास लेना चालू किए हैं और जूम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से स्कूल्स या फिर टीचर्स क्लास लेना चाहते हैं। तो जूम में सबसे पहली बात आती है कि उसमें आईडी कैसे बनाई जाए, उसमें अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। जूम में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको जूम ऐप चाहिए होगा जिसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में उसका आइकन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जस्ट सिंपली आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको दो तरीके मिल जाते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप नीचे में जो साइन इन का ऑप्शन देख रहे हैं उस पर आपको टच करना है। जैसे आप टच करते हैं नीचे में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, SSO, गूगल एंड फेसबुक। आपको टच करना है गूगल पे। गूगल पे टच करने के बाद में आपको अपने फ़ोन में बनाई गई सारी गूगल आईडी दिखाई देगी, उसमें से कोई एक आईडी आपको चुन लेनी है और उस पर टच कर देना है। जैसे आप उस पर टच करते हैं आपको ये पेज दिखाई देगा एंड सिंपल सा आपको यहाँ पे लॉन्च जूम पे टच करना है। जैसे आप लॉन्च जूम करते हैं एंड आपकी आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जो आपने गूगल की आईडी बनाई है वही आईडी आपको यहाँ पे एज अ जूम अकाउंट मिल जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर यह तरीका आपके मोबाइल पे काम नहीं कर रहा है तो एक और तरीका है जो थोड़ा लेंदी है बट काम जरूर करता है। तो चलिए मैं वो दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ कि आखिर उसमें करना क्या है। तो अब की बार दूसरे तरीके में आपको यहाँ पे साइन इन की जगह साइन अप करना है। तो आपको साइन अप पे टच करना है। जैसे आप साइन अप पे टच करेंगे आपको यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे टच कर देना है एंड यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको सेट पे टच करना है। जैसे ही सेट पे टच करते हैं आपके पास ये सरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको मांगा जाएगा आपका ईमेल आईडी एंड आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो सिंपली सा आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भर देनी है जो आपकी ईमेल आईडी है एंड देन आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है एंड देन आफ्टर आपको क्लिक करना है साइन अप पे। जैसे ही आप साइन अप करते हैं आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए जहाँ से आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी जीमेल में एंड चेक करते हैं कि हमें क्या वहाँ पे मिला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे एक्टिवेट करने के लिए एक मेल आया हुआ है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक्टिवेट अकाउंट मिल जाता है। तो जस्ट आप एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि आपका ब्राउज़र क्रोम रहे क्योंकि दूसरा जो मोबाइल का इनबिल्ट ब्राउज़र होता है उसमें अच्छी तरह से ओपन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिंक पे लॉन्ग प्रेस करके इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं इसे ओपन करूँगी क्रोम ब्राउज़र में। सो मैंने इसे कॉपी कर लिया है एंड अब मुझे जाने अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जस्ट मुझे यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो सर्च का जो बार है वहाँ पे मुझे इसे पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद में उसे सर्च पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, आर यू साइनिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ अ स्कूल। तो यहाँ पे मैं इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप भी इसे डेस्कटॉप मोड में करें तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए क्योंकि अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो स्कूल का और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मांगा जाएगा, तो मैं अभी ये नहीं चाहती। तो नो पे क्लिक करने के बाद में जस्ट कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका नाम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी आप फर्स्ट स्टेज में हैं जहाँ पे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ पहले से आ जाएगा, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है जहाँ पे आपको
ए बी सी डी एंड नंबर होना जरूरी है, एंड अपर केस एंड लोअर केस में होना जरूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेती हूँ। आप भी अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए एंड पासवर्ड को नीचे कन्फर्म पासवर्ड में फिर से लिख देना है। तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों आपको यूज करने हैं इसमें। एंड देन आफ्टर आपको पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर से आपके पास यहाँ दूसरा स्टेज आ जाता है जहाँ पे आपको पूछा जाता है इनवाइट कलीग्स। अगर आप कलीग्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप कलीग्स को इनवाइट नहीं करना चाहते तो सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको टच कर देना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ पूछा जाएगा जैसे कि सेलेक्ट ऑल इमेज विद ट्रैफिक लाइट्स। तो ट्रैफिक लाइट्स जहाँ जहाँ हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये कभी कभी पूछा जाता है और कभी कभी पूछा नहीं भी जाता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे भी आपको ट्रैफिक लाइट्स दिखाई देती है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये टिक हो जाएगा। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपली स्किप पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका अकाउंट बन चुका है एंड यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट मीटिंग नाउ या फिर गो टू माई अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, आप गो टू माई अकाउंट पे करेंगे यानी कि अब अपने अकाउंट पे वापस जाएंगे। आप जैसे अपने अकाउंट पे वापस जाते हैं आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल मिल जाती है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपकी फ़ोटो चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको जाना है अपने जूम ऐप में। अब आपको करना है साइन इन, तो साइन इन आपको करना है एंड आपकी जो ईमेल आईडी आपने भरी हुई थी वो आपको यहाँ पे डालनी है एंड पासवर्ड जो आपने वहाँ पे बनाया हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, कर देना है साइन इन। और फिर जैसे ही हम लोग साइन इन करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो बस ये सिंपल सा स्टेप है अपने अकाउंट को बनाने के लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप जूम में एक परफेक्ट आईडी बना सकते हैं। दो तरीके मैंने बताए हैं, जिसमें जो फर्स्ट वाला है वो सबसे इजी पड़ता है एंड जो सेकंड है वो थोड़ा लेंदी है बट काम आपका हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।